आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको ठीक वैसे ही यकीन नहीं होगा जैसे जब पहली बार राइट्स बर्दरस ने कहा था कि हम हवा में उड़ सकते हैं, वैसे हे अब बिना इंटरनेट के मोबाइल में चलेंगे वीडियो। अब मोबाइल पर वीडियो देखने के लिए आपको डेटा की जरूरत नहीं होगी। नहीं भाई, ये कोई मजाक नहीं, सच है। भारत अब बहुत ही जल्द वह टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहा है जिससे बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी आपके फोन में लाइव टेलीविजन और वीडियो चल सकेंगे, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है D2M टेक्नोलॉजी, यानी कि डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। क्या हुआ, क्या आप भी एक्साइटेड है इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए? तो देर किस बात की है, चलिए आपको बताते हैं आपके मोबाइल फोन में बहुत जल्द आने वाले इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में। यह नई टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत होगी। आज भी हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां मोबाइल टावर नहीं है। कहने को देश में 5G की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज भी हमारे देश में इंटरनेट की स्पीड दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है, और इसका कारण है देश में बहुत ही मोबाइल यूजर्स की संख्या और उसकी तुलना में कम है टावर्स का होना, जिसकी वजह से डेटा कंसम्पशन बढ़ता है और स्पीड कम होती है। ऐसे में डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम इस टेक्नोलॉजी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, आखिर ये काम कैसे करेगी? तो देखिए, आपने कभी ना कभी FM रेडियो तो सुना ही होगा, जहां हमें केवल एक खास फ्रीक्वेंसी को सेट करना होता है और वह चैनल चालू हो जाता है। टेक्नोलॉजी भी कुछ इसी तरह से काम करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT और देश का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इस पर काफी समय से काम कर रहे हैं, और DOT ने पिछले साल ही IIT कानपुर के साथ इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के लिए हाथ मिलाया है। यह टेक्निक ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट को मिलाकर बनाई गई है। इसमें फोन में लगा हुआ एक रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ब्रॉडकास्ट कंटेंट को कैच करेगा, जिसे आप अपने मोबाइल पर देख भी सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस काम के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी वीडियो और लाइव मैच देख पाएंगे। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के आते ही आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म और YouTube मोबाइल पर फ्री में देख पाएंगे, तो अभी फिलहाल ऐसा होना नामुमकिन है। अभी यह टेक्नोलॉजी टेस्टिंग फेज में है, और शुरुआत में इसका इस्तेमाल केवल आम लोगों तक इम्पोर्टेंट सूचनाएं पहुंचाने में होगा। अभी की किसी के घर में TV हो या ना हो, लेकिन मोबाइल सबके पास होता है। ऐसे में अगर कभी कोई आपदा आ जाती है तो सरकार इस टेक्नोलॉजी से सीधे लोगों के मोबाइल पर वीडियो मैसेज भेज पाएगा। यानी कि इमरजेंसी अलर्ट की सिचुएशन में यह सर्विस काफी काम आ सकती, क्योंकि अगर आपके फोन में डेटा नहीं है तब भी मैसेज आपके फोन में डिलीवर हो जाएगा, उसे बिना इंटरनेट के भी देख पाएंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सर्विस फ्री होगी तो सरकार को इससे क्या फायदा होगा? तो सरकार इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर शुरू करने की योजना बना रही है। इसके अलावा यह भी पक्का है कि जब यह सर्विस फ्री है तो इसमें एड जरूर होंगे, क्योंकि रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि दूर दराज के गांव में जहां मोबाइल के सिग्नल कम ही पहुंचते हैं, वहां भी इस टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़िया नेटवर्क मिलेगा, क्योंकि भले ही टेलीफोन की पहुंच सब जगह ना हो, लेकिन FM रेडियो और TV देश कोने कोने में पहुंच चुका है, क्योंकि इनके लिए जगह जगह टावर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा वीडियो की क्वालिटी में भी सुधार आएगा, इसका फायदा कॉन्टेंट क्रिएटर्स को भी मिलेगा। तो यह आने वाले समय में जब सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और YouTube भी इस पर आ जाएंगे, तब YouTube वीडियो बनाने वालों को भी इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिलेगा। और अभी जो लोग डेटा बचाने के चक्कर में वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, वह भी पूरे वीडियो देखने लगेंगे। क्या हुआ, कहीं आप भी तो हमारा वीडियो स्किप करने की नहीं सोच रहे हैं? तो ऐसा ना हो कि वीडियो स्किप करने के चक्कर में आप सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप करें। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस टेक्निक से उन मोबाइल कंपनियों का क्या फायदा होगा जो कि महंगे दामों पर डेटा पैक बेचती हैं, फिर चाहे वो एयरटेल हो या फिर रिलायंस। तो देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है पुरानी टेक्नोलॉजी को लोग भूल जाते हैं। वैसे भी कॉम्पिटिशन और टेक्नोलॉजी की इस जमाने वही कंपनी सर्वाइव कर सकती जो कि नई टेक्नोलॉजी को अपडेट कर लेती है। वैसे भी इस टेक्नोलॉजी के आने से स्पीड बेहतर होगी और मोबाइल कंपनी अपने यूजर बेहतर सर्विस भी दे पाएंगे। वैसे सुनने में आ रहा है ये कई टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध भी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इससे इंटरनेट यूजर्स की संख्या में कमी आएगी। लेकिन यही तो प्रकृति का नियम है। जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो लोगों ने रेडियो से मुंह फेर दिया, मोबाइल आया तो लोगों के घर से लैंडलाइन फोन गायब हो गए, केबल TV आया तो लोग दूरदर्शन भूल गए, इंटरनेट आया तो लोग TV को BY बोलने लगे। लेकिन इसमें अगर किसी का फायदा होगा तो वह आपका, क्योंकि अब आपको देश के किसी भी कोने में और किसी भी समय वीडियो देखने की छूट जो मिल जाएगी, आप आराम से कहीं भी वर्ल्ड कप मैच का लुत्फ उठा पाएं, और हर महीने जो लंबा चौड़ा बिल आपके डेटा के लिए भी आपको देना पड़ता है वो अभी बच जाएगा।
लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी अपने टेस्टिंग फेज में और इसे इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दोस्तों, क्या आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या यह टेक्नोलॉजी भारत के हिसाब से सफल हो पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।